रिकॉर्डिंग भी नहीं कर लेते हो ना, गैप जो नहीं, तुम ये तुम्हारे भाइयों को भी नहीं भेज दिया जाता है, मीन्स दिस 11 चिल्ड्रन का भी वीडियोस आर नॉट अपलोडेड बिकॉज दे डोंट वॉच, दे वॉच कालू केदांतु काजू किसमिस वीडियोस, तो लाइक दैट, तो दे आल्सो डोंट वॉच जेजेस वीडियोस लाइक यू। तो आप दोनों में ये सिमिलैरिटीज हैं, चलिए जैसा बड़ा भाई वैसे छोटा भाई, है कि नहीं? चलिए तो इसको फिर हम हम लोग यार क्या हेमी भी कर सकते थे, क्या कर सकते हैं, हेमी डिस्पोजल। वो अलग है तो उसको अलग करेंगे। तो ये हम लोग भाई भाइयों को इकट्ठा कर रहे हैं, यार कंपेयरिंग बोथ, हमने टाइट और बेल्ट डिस्कस कर लिया, इधर दोनों स्पॉट डिस्कस कर लेंगे, फिर लास्ट में हेमी दोनों डिस्कस करेंगे। तो ये एक टाइप ऑफ यस कंपैरिजन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो यहां मैक्यूला एडियरेंस किया, अभी मैक्यूला ऑक्लूडेंस करेंगे। एंड ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसका प्रोटीन पूछा जाता है क्वेश्चंस, दैट इज कनेक्सॉन प्रोटीन्स। कनेक्शन। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन योर स्कूल लेवल एग्जाम्स तो ये काफी ज्यादा आता है। तो दैट इज कॉल्ड योर गैप जंक्शंस। तो ये एक टनल लाइक कंसेप्ट है जिसमें हम लोग म्यूचुअल एक्सचेंज करते हैं। सो एफ गैप जंक्शन मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉल कनेक्सिन्स या कनेक्सॉन भी आप बोल सकते हो, फॉर्म टाइनी फ्लूइड फिल्ड टनल्स कॉल्ड कनेक्सॉन्स दैट कनेक्ट, आ जाएगा इधर, कॉल्ड कन, इसको हाईलाइट करने से फिर नहीं आएगा, इसको मैं नोन एज कर देता हूं ना, ये मेरा शॉर्टकट है, नोन एज कनेक्सॉन्स। ओके, नोन एज कनेक्सॉन्स। अरे गड़बड़ कर दिया, ऐड कर, तो इधर सीधा हम लोग लिख लेते हैं ना, इसको सीधा मेम्ब्रेन से ही शुरू कर देते हैं। तो मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉल कनेक्सिन्स दैट कनेक्ट नेबरिंग सेल्स, ठीक है? तो ये सीधा ऐसे ही लिख देंगे, तो वो आ जा रहा है तो फिर नहीं आ रहा है। नाउ अब उसमें क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ गैप जंक्शंस आर नॉट फ्यूज टुगेदर एज इन टाइट जंक्शंस बट आर सेपरेटेड बाई ए नैरो इंटरसेल्यूलर गैप, ओके, दो थ्रू द कनेक्सॉन्स, ये एक चैनल जैसा होता है, आयंस एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स कैन डिफ्यूज फ्रॉम वन सेल टू अनदर, द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड पराब वेस्ट टेक्स प्लेस थ्रू गैप्स इन द एवैस्कुलर टिश्यूज सच एज लेंस एंड कॉर्निया। देखो वहां ब्लड सप्लाई नहीं है, फिर कैसे गैस होता है गैप जंक्शन से? तो दे अलाउ द सेल्स इन अ टिश्यू टू कम्युनिकेट विद वन अनदर, इन अ डेवलपिंग एम्ब्रियो सम ऑफ द केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स दैट रेगुलेट ग्रोथ एंड सेल डिफरेंशिएशन ट्रैवल वाया गैप जंक्शंस, दे आल्सो एनेबल नर्व एंड मसल सेल्स टू स्प्रेड रैपिडली, नर्व एंड मसल इम्पल्सेस टू स्प्रेड रैपिडली अमॉन्ग सेल्स, ए प्रोसेस दैट इज क्रूशियल फॉर द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ सम पार्ट्स। ओके, कौन सा पार्ट बताइए, कैन यू गेस विच पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट? हार्ट एंड एटसेट्रा, मतलब जहां फट से खबर देना है तो वहां ये आपको चाहिए। ओके, पार्ट्स ओके ऑफ द नर्वस सिस्टम, एंड इसको NS लिख देते हैं, एंड द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स इन द, और कुछ कटिंग करेंगे, दे इसको दे कर देंगे, दे लिख देंगे, दे ऑल्सो एनेबल, थोड़ा कटिंग स्ट्रिंग करना पड़ रहा है ना, इसको भी स्पेस खा जाएंगे। ओके, तो आ गया पूरा, समझ रहे हो, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स इन द हार्ट, GIT एंड यूट्रस, ठीक है? तो अब एक्चुअली गैप जंक्शन से कौन सा इस तरह का सिनेप्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ओके, सच ए सिनेप्स,
is known as electrical synapse. समझ रहे हो? ये हम लोग हार्ट मसल्स में नहीं पढ़ेंगे तुम्हारे क्लास में, तुम लोग पढ़ाता मैं बट आप लोग को नहीं पढ़ाऊंगा, उसको इलेक्ट्रिकल सिनेप्स बोला जाता है। क्यों? जैसे केमिकल सिनेप्स में क्या होता है, सिनेप्टिक डिले होता है, खबर आएगा ओके, चैनल खोलेगा, कैल्शियम अंदर आएगा, कैल्शियम माइक्रोफिलामेंट्स को एक्टिव करेगा, माइक्रोट्यूब्यूल्स को एक्टिव करेगा, माइक्रोट्यूब्यूल्स आपके वेसिकल्स को बाहर धकेलेंगे, बाहर जाने के बाद आपका एसिटिलकोलिन गिरेगा, एसिटिलकोलिन गिरने के बाद उधर रिसेप्शन होगा, सोडियम चैनल खुलेगा, सोडियम अंदर जाएगा। तो अब क्या होगा, जैसे सोडियम अंदर जाएगा अब सिनेप्टिक डिले हो रहा है भैया, ओके, इसीलिए ट्रांसमिशन में देरी हो रहा है। बट हार्ट मसल्स 72 टाइम्स पर मिनट बीट करता है एंड देर आर सम स्मॉल मैमल्स जिसमें 700 बार पर मिनट बीट करता है, ओके, लार्जर द एनिमल लार्जर द हार्ट रेट, ना स्मॉलर द हार्ट रेट, स्मॉलर, तो स्मॉलर द एनिमल लार्जेस्ट द हार्ट रेट। सो देर आर सम स्मॉल मैमल्स जिसमें हार्ट रेट 700 पर मिनट है। तो हाउ इट इज 700 पर मिनट, बिकॉज ऑफ गैप जंक्शन, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, यस, धड़ाधड़ स्टिमुलेट करो और गाड़ी आगे चलाओ, बिकॉज जितना शीघ्र इंफॉर्मेशन मिलेगा उतना शीघ्र काम करेंगे। जैसे आपका जो रिले रेस हो रहा है, रिले रेस में क्या होता है, जितने जल्दी बैटन पकड़ाओगे उतना जल्दी मैं भागूंगा, तो इसीलिए व्हाट हैज टू हैपन, तो देयर इज ए, अगर आप ध्यान दिए होगे तो रिले में कनेक्टर वन से कनेक्टर टू में भी 10-15 मीटर का गैप दिया जाता है कि आप भाग सकते हो, है ना, क्योंकि वो सडनली देगा और तुम पकड़ोगे फिर इनिशिएशन करोगे, तो इट विल टेक सम माइक्रोसेकेंड्स, तो इसलिए वो क्या करते हैं, वो जैसे ही वो तुम्हें देख लेगा कि तुम आ रहे हो वो भागना शुरू करेगा, तो विद इन 10-15 मीटर्स आपको बैटन दे देना है, ओके, सो लाइक दैट। तो इसलिए इलेक्ट्रिकल सिनेप्स जो है वो सिनेप्टिक डिले को मिनिमाइज कर देता है, वो मैक्सिमम मिनिमाइज कर देगा कितना बढ़िया वर्ड है कि नहीं, मैक्सिमम मिनिमाइज कर देगा एंड सो। चलिए, सो ये हो गया हमारा विथ रेस्पेक्ट टू क्या, गैप जंक्शंस एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जंक्शंस। लास्ट बच गया हमारा हेमिडेस्मोसोम, नहीं नहीं ना ना जम्मा नहीं 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 डाली पकड़, समझ में। सो इसीलिए अब हम लोग पढ़ेंगे आद्य का फेवरेट हेमिडेस्मोसोम्स। उसको आता नहीं था जब मैं पूछा था बट अभी उसको ज्यादा प्यार आ रहा है उसको। चलिए, हेमिडेस्मोसोम्स या इसका सिंपल मीनिंग क्या है, हाफ डेस्मोसोम्स। व्हाई? बिकॉज देयर इज नो कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द अदर साइड। ये भी फौसला जैसा है कि नहीं, यू रिमेम्बर द फुल फॉर्म ऑफ फौसला और नॉट? जी, फौसला का फुल फॉर्म आपको याद नहीं है? चलो वो हम लोग नॉन रिकॉर्डिंग पीरियड में करेंगे। सो अब हेमिडेस्मोसोम्स हमको कहां मिलता है, जहां दूसरे साइड कोई सेल नहीं होगा। सो ये किस केस में होगा, आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन वाले केस में, ओके, तो इन द बेसमेंट मेम्ब्रेन देयर इज नो लेयर ऑफ सेल्स ऑन द अदर साइड, ठीक है। सो हेमिडेस्मोसोम्स रिजेंबल, हेमी मतलब हाफ, डेस्मोसोम्स बट दे डू नॉट लिंक एडजेसेंट सेल्स,
The name arises from the fact that they look like half of a desmosome. Obviously, जब दूसरा साइड से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है तो ये हाफ ही दिखेगा, है कि नहीं? So that is why वो ऐसा लग रहा है जैसे वो हाफ डेस्मोसोम हो। But इसमें क्या होता है? Okay? So however, the transmembrane glycoprotein in hemidesmosomes are integrins, not cadherins. Okay, rather than cadherins, on the inside of the plasma membrane. Okay, तो ये on the inside of the plasma membrane वो जाके attach हो जाते हैं किसके साथ? Okay, integrins attach to IFs made of protein keratin. On the outside of the plasma membrane, the integrins attach to protein laminin. Okay, laminin, which is present in the basement membrane, bracket reconsa, basal lamina. Lamina. Okay, तो basal lamina वाला part में हो. Basal lamina. Thus, hemidesmosomes anchor cells to each other, cells not to each other, but to the basement membrane. Okay, of the epithelium. ठीक है? Now, such junctions are seen in the solitary layer of cells in the simple epithelium, है कि नहीं? Simple में एक ही layer है तो उसमें देखा जाएगा, और in the क्या stratum malphigae. ओके, या स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम ऑफ द कंपाउंड एपिथेलिया. कोई शक इसमें? नो सर. चलिए, तो ये हमारा हो गया सेल जंक्शंस, फिनिश. सो दिस वी हैव एंडेड आवर टॉपिक फॉर टुडे. सो